भी स्कूल्स हैं, अगर मैं तो आपके भी स्कूल में बोलूं, अगर आईएम या किसी और कॉलेज के बारे में, तो वहां पे शॉर्टलिस्टिंग सिर्फ कैट के बेसिस पे नहीं होती, वो आपकी एकेडमी को भी काफी हाई वेटेज देते हैं, लाइक आपके 10th में स्कोर क्या है, 12th में स्कोर क्या है, ग्रेजुएशन में स्कोर क्या है। लेकिन अगर वहीं आप देख लो एफएमएस दिल्ली, तो एफएमएस दिल्ली एकेडमिक को इंपॉर्टेंस देता है बट उतना नहीं देता है जितना आईएमएस देता है एमएमई से। वो आपके कैट के परसेंटाइल के बेसिस पे, मैंने कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा है, उनसे मिला है, जिनकी कैट परसेंटाइल अच्छी है लेकिन एकेडमी पे थोड़ा अप्स एंड डाउन है, बट दे आर द पार्ट ऑफ एफएमएस। सो एफएमएस एकेडमिक रिजिडिटी को थोड़ा कम करता है, कैट को थोड़ा वेटेज ज्यादा देता है, बट अगेन यू नीड टू हैव अबव 99% ऑफ क्लोज टू दैट टू बी द पार्ट ऑफ इट। बट आईएमएस के बहुत सारे बच्चों को मैंने जब इंटरव्यू किया है, मैंने ये देखा कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैज इवन स्कोर्ड 99.5% बट दे डिडंट गेट अ चांस इनटू एनी ऑफ द ओल्ड आईएमएस, बिकॉज़ किसी की 12th में कम है, किसी की ग्रेजुएशन में कम है, दे डू नॉट हैव लाइक 80 समथिंग व्हाट दे लुक आफ्टर। सो व्हेन इट कम्स टू आईएमएस दे लुक आफ्टर, बिकॉज़ देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सब जितने लोगों ने कैट दिया है, करीब 2,30,000 बच्चों ने कैट दिया, राइट, सबकी एस्पिरेशन है कि मैं आईएम में पढ़ू, एंड वी ऑल नो कि आईएम में सिर्फ 5,000 सीटें, और अगर मैं टॉप 6 आईएम्स की बात कर लूं तो टॉप 6 आईएम्स में 1,000 के आसपास सीटें होंगी या 1,200 होंगी। अब 1,000-1,200 सीट के लिए उनको एप्लीकेशन मिला है 2,30,000, आप समझो इस स्टेटिस्टिक्स को। अब 2,30,000 में उनको रीजन चाहिए कि भाई किस बच्चे को रिजेक्ट कर, दे आर नॉट, आप एक रेशियो पता करके देखना, द रेशियो ऑफ रिजेक्शन आर वेरी वेरी हाई इन आईएम्स, राइट। चूंकि हर बच्चा जो 10% में है, जो 99.9% या 100% है, हर किसी को आईएम में जाए, आईएम एबीसी उनकी प्रायोरिटी में होती है, तो उनके पास रिजेक्शन के ऑप्शन काफी ज्यादा, एंड दे कैन नॉट इंटरव्यू 2,30,000 पीपल अगेन। ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ बच्चे आपको मिलेंगे जिनकी कैट परसेंटाइल लो होती है, बट वो उनकी प्रोफाइल ओवरऑल काफी अच्छी है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिनकी कैट अच्छी है लेकिन ओवरऑल प्रोफाइल उनकी अच्छी है, राइट। सो आईएम्स के केस में ऐसा होता है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बना के रखा हुआ है, राइट, एंड उसी स्टैंडर्ड पैरामीटर को, चूंकि इससे क्या होता है, उनको प्रोफाइल में इंटरव्यू कम करना, अगर उनको से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी आईएम का एग्जाम्पल ले लूँ, अगर उनके पास 200 सीटें हैं तो हार्डली वो 1,000 से 2,000 बच्चों को इंटरव्यू करेंगे, राइट, दे डू नॉट वॉन्ट टू गो फॉर द यू नो इंटरव्यू ऑफ 2 लाख पीपल। सो दैट इज द रीजन दे शॉर्टलिस्ट द पीपल। नाउ एज फार एज स्टूडेंट इज कंसर्न, देखो उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया को तो आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आपकी एकेडमिक में कोई प्रॉब्लम है, सो अभी आप आईएम को तो नहीं बोल सकते आप अपने क्राइटेरिया को चेंज कर, राइट। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू कीप ट्राइंग टू सम ऑफ द टॉप लेवल कॉलेजेस, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि एफएमएस ये कॉलेज है जो एकेडमिक रिजिडिटी को ज्यादा नहीं देते हैं, बट कभी कभार अगर 12th या ग्रेजुएशन में थोड़ा कम स्कोर भी है लेकिन कैट में अगर अच्छे स्कोर है, यू कैन बी द पार्ट। बट आईएम अहमदाबाद आप देखो तो एकेडमिक को ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। सो आपको इस तरह के कुछ कॉलेजेस में ट्राई करने पड़ेंगे जिनमें मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन को प्रायोरिटी तो दिया जाता है बट एट द सेम टाइम एकेडमिक के ऊपर भी वेटेज थोड़ा सा। नाउ यू ऑल नो कि अगर एकेडमिक में 12th में हमारे स्कोर कम है तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आपके 10th में स्कोर कम है तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज हो चुकी है। व्हाट यू कैन ओनली डू कि आप कैट को रीअपियर कर सकते हो, लेकिन अगर कैट रीअपियर कर करके वापस 99 लाते हो और आपके 12th में स्कोर कम है तो अगेन आपको नेक्स्ट ईयर भी आईएम में मौका नहीं मिलेगा, राइट। सो आपके पास आपको उस तरह के कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे जो कॉलेजेस सिर्फ एकेडमिक के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं, थोड़े से इंस्टीट्यूशन के लिस्ट आपको अलग बनाने पड़ेंगे कि भाई इन इन कॉलेजेस में हमारा कट ऑफ मीट कर रहा है और इनमें एकेडमिक रिजिडिटी थोड़ी सी कम है। इट्स नॉट दैट हर कॉलेज को 80 वाला बच्चा चाहिए, राइट। सो थोड़े से कॉलेजेस आपको कुछ कॉलेजेस छोड़ने पड़ेंगे जिनकी एकेडमिक रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, जो ऐसे कॉलेज आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा जिनकी एकेडमिक रिजिडिटी कम है, एंड देन यू नीड टू अप्लाई फॉर 5-6 कॉलेजेस। कभी भी एक कॉलेज का ऑप्शन मत रखो, आपके पास कम से कम 5-6 कॉलेज का ऑप्शन होना चाहिए, उनमें से आप जब अपीयर करोगे यू विल गेट अ चांस टू 2-3 एंड देन यू फाइंड दिस शॉर्टलिस्ट। सो स्टूडेंट वाइज अब वो कुछ कर नहीं सकता, अपने 10th का स्कोर को चेंज नहीं कर सकते, 12th के स्कोर को चेंज नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन के स्कोर को चेंज नहीं कर सकते, वो ऑप्शन जा चुका। आपको कुछ कॉलेजेस इनरोलमेंट नहीं देंगे, बट ऐसा नहीं कि जगह एंड है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, यू नीड टू फिगर आउट योर ओन लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो एकेडमिक के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे, राइट, एंड देन यू नीड टू अप्लाई फॉर दैट। आपको पता ही होगा कि टू शॉर्टलिस्ट अ स्टूडेंट इनटू एनी कॉलेज, हर कॉलेज का एक क्राइटेरिया होता है, वो वेटेज देते हैं आपकी एकेडमिक कोड,
10th, 12th graduation, work experience, CAT entrance examination, PI performance, GD performance, इन सब का वेटेज होता है। तो हो सकता है कुछ ऐसे कॉलेजेस जिनके पास, देखो जिनका ब्रांड इमेज बहुत बड़ा है और जिनके पास एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आता है, दे विल नॉट यू नो लुक आफ्टर योर प्रोफाइल, बट देयर आर अदर कॉलेजेस जो एकेडमिक के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, स्टूडेंट का इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर, जिनकी वेटेज इनके ऊपर ज्यादा है, इंटरव्यू के ऊपर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर, उन कॉलेज आपको अप्लाई करना। आप क्लोजली वॉच करना हर कॉलेज के वेटेज क्राइटेरिया होता है और अकॉर्डिंग टू दैट वो टोटल मेरिट लिस्ट निकलती है, देन कॉलेज शॉर्टलिस्ट।